दोस्तों, अगर आपके पास में पड़े हुए हैं ओल्ड कॉइन्स और आप उन्हें सेल करना चाहते हैं, पुराने सिक्के सेल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि कोई भी पुराना सिक्का सेल करने से पहले उसकी जानकारी आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और तभी आपके वो सिक्के सेल हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल मैं आज आपको देने वाला हूँ और उन लोगों के सिक्के सेल होते होते बच गए, क्यों नहीं सेल हुए उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके भी पास जो भी सिक्के पड़े हुए हैं पुराने सिक्के हैं और वो सेल नहीं हो रहे हैं, तो इसकी आज वजह जान जाएंगे और आपके रियल में आपके सिक्के सेल होंगे। जो लोग इस बात से परेशान हैं, उनके पास सिक्के पड़े हुए हैं और उनके सिक्के सेल नहीं हो रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखे और अंत तक देख के समझे। इस वीडियो को जिस दिन आप समझ गए आपके सिक्के सेल हो जाएंगे श्योर। तो दोस्तों, अगर आपके पास में कोई भी सिक्का है तो आप उस सिक्के की पूरी इंफॉर्मेशन निकाले। सबसे पहले आपका सिक्का रेयर है या नहीं है, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। कुछ लोग मेरे ही सब्सक्राइबर्स मुंबई एग्जीबिशन में गए और उन लोगों का सिक्का सेल नहीं हुआ। यहाँ तक कि पप्पू प्रेम भाई के मैंने नंबर भी शेयर करके रखे थे जो एग्जीबिशन में बैठते हैं, और उन्हीं के नंबर मैंने वीडियो में डाले थे और कुछ लोग वहां पे पहुंचे भी थे, लेकिन उनका सिक्का सेल नहीं हुआ। वजह भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक 2 रुपए का हस्त मुद्रा वाला कॉइन जिसकी इंफॉर्मेशन दी थी, कुछ लोग वो सिक्के जमा किए लेकिन इंफॉर्मेशन सही नहीं जमा की और वो सिक्के उनके सेल नहीं हुए। ऐसा ही मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास में इंदिरा गांधी वाले ये सिक्के हैं और आप इनको सेल करना चाहते हैं और आपके सेल नहीं हो रहे हैं, तो इसकी भी मैं वजह बताऊंगा। और अगर वो सिक्का आपके पास होता है तो मैं खुद आपसे वो सिक्का बाय कर लूंगा। और नरते मुद्रा के सिक्के के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सिक्का आपका क्यों नहीं सेल हुआ, और अगर वो सिक्का आपके पास है तो आप मेरे को सेल कर सकते हैं, वो कौन सा सिक्का है ये सबसे पहले आप जान लो। अगर ये चीज आप जान ली तो आपके सिक्के श्योर सेल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी रही आपसे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंदिरा गांधी के 5 रुपए के सिक्के के बारे में। इंदिरा गांधी के 5 रुपए के सिक्के भारत के 2 मिंटों में जारी किए गए थे, मुंबई और हैदराबाद। हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क होता है स्टार मिंट मार्क, वहीं पे मुंबई मिंट का मिंट मार्क होता है डायमंड मिंट मार्क। ऐसा ही दूसरा जो सिक्का है नरते मुद्रा के, भारत के 4 मिंटों में जारी किए गए थे, लेकिन इन सिक्कों के अंदर जो एरर था जिसकी वजह से ये सिक्के चीमती हुए थे, ये एक म्यूल कॉइन की मैंने आप लोग को इंफॉर्मेशन दी थी जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले इन 2 सिक्कों के बारे में। अगर ये 2 सिक्के आपके पास में हैं तो आपसे ये सिक्के डायरेक्ट मैं बाय कर लूंगा। तो चलो जानते हैं इन दोनों सिक्कों के बारे में पूरा डिटेल से, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरुआत करते हैं नृत्य मुद्रा के सिक्के से। नृत्य मुद्रा के सिक्के की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, वो सिक्का कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता था, जिसके अंदर एक साइड में हस्त मुद्रा के 2 उंगलियां दिखाई हुई है और एक उसके आगे 2 और रुपए और रुपी इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है, और उसके दूसरी साइड में पलटी करके सिक्के को देखते हैं तो बीच में आपको अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर भारत इंडिया और नीचे में 2008। 2008 के नीचे आपको डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है जो कि मुंबई मिंट का मिंट मार्क है। तो दोस्तों, ये है एक नॉर्मल सिक्का। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस सिक्के की मैंने आपको जानकारी दी थी। मैंने जिस 2 रुपए के नृत्य मुद्रा के सिक्के की आपको जानकारी दी थी वो था एक म्यूल कॉइन, जिसके अंदर आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। ये सिक्का 10 रुपए के 2008 के सिक्के से म्यूल हो गया था, जिसकी वजह से इसके अंदर भारत इंडिया जो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर पहले वाले सिक्के के अंदर सीधे में दिखाई देते हैं, वहीं पे इस सिक्के के अंदर ये पूरा कर्व में दिखाई देता है। जो नॉर्मल सिक्के के अंदर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट में नजर आते हैं भारत इंडिया, लेकिन यहाँ पे आपको राउंड में दिखाई देते हैं। तो ऐसा सिक्का आप 5,000 रुपये में सेल कर सकते हैं। मैंने इस सिक्के की आपको जानकारी दी थी, नहीं कि आपको एक नॉर्मल कॉइन की। नॉर्मल कॉइन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जिसके अंदर भारत इंडिया हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर स्ट्रेट में देखने को मिलता है, और ये जो म्यूल कॉइन है इसके अंदर आपको राउंड में देखने को मिलता है। तो ये एक कलेक्टेबल सिक्का है, ऐसा सिक्का आपको कलेक्ट करना है और इस सिक्के की कीमत आपको 5,000 रुपये तक मिल सकती है। ये एक म्यूल कॉइन है। नंबर 2 पे बात करते हैं इंदिरा गांधी के 5 रुपए के सिक्के के बारे में। इंदिरा गांधी के 5 रुपए के सिक्के भारत के 2 मिनटों में जारी किए गए थे,
जिसके अंदर आपको मुंबई और हैदराबाद दो मिंट मार्क देखने को मिल सकते हैं। मुंबई का मिंट मार्क है डायमंड मिंट मार्क, और हैदराबाद मिंट मिंट का मिंट मार्क है स्टार मिंट मार्क, जिसके अंदर आपको नीचे मिंट ईयर के नीचे स्टार देखने को मिलता है, और मुंबई मिंट के नीचे आप मुंबई मिंट मार्क में आपको डायमंड देखने को मिलता है, जो कि 1917 से 1984 का जो बीच का डिस्टेंस है उसके अंदर आपको मुंबई का मिंट मार्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस सिक्के को अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके फीचर के बारे में, तो ये सिक्का जारी किया गया था 1984 में, और इस सिक्के को रिलीज किया गया था 1985 में। ये सिक्का 1917 से 1984 जो कि इंदिरा गांधी का जीवन काल था उसी के ऊपर जारी किया गया था। तो दोस्तों इस सिक्के का वेट का बात करें तो ये सिक्का 12.6 ग्राम वेट के साथ में जारी किया गया था। साइज थी सिक्के की 31.1 mm, थिकनेस 2.3 mm। कॉपर निकल मेटल के अंदर इस सिक्के को जारी किया गया था। और अगर हम लोग देखें इस सिक्के के ओवर भाग को, तो बीच में आपको इंदिरा गांधी का पोर्टर देखने को मिलता है, और ऊपर में इंदिरा गांधी हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलता है, और उसके नीचे 1917 से 1984 जो कि इंदिरा गांधी का जीवन काल था, और उसके नीचे आपको डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है जो कि मुंबई का मिंट मार्क है। सिक्के को पलटी करके देखते हैं तो बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, और उसके नीचे फाइव डोमिनेशन, एक साइड भारत रुपए हिंदी में, दूसरी साइड इंडिया रुपीज इंग्लिश में। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सिक्का रेयर, कौन सा सिक्का रेयर है, कौन सा सिक्का हम लोग सेल कर सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे सोचने के लिए मजबूर करती है। तो दोस्तों इनके अंदर जो एरर आपको देखने का है वो ये देखने का है कि इन सिक्कों के अंदर दो वैरायटीज देखने को मिलती है। एक वो देखने को मिले कि आपको इस कॉइन के अंदर एज के अंदर इस सिक्के के अंदर दो एज पाई जाती है, एक रेडिट एज तो दूसरी सिक्योरिटी एज। सिक्योरिटी एज आप फर्स्ट में देख रहे हैं और रेडी डेज अब लास्ट में देख रहे हैं। तो ऐसे सिक्कों में आपको कंफ्यूजिंग पैदा हो जाती है कि आपका सिक्का कौन सा सेल होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो रेडी डेज का जो सिक्का है वो सिक्का कलेक्टिबल सिक्का होता है। तो आपको जो सिक्का कलेक्ट करना है वो है रेडी डेज का सिक्का, और आप इन सिक्कों के अंदर कोई भी सिक्का एग्जीबिशन में लेके जाओगे जिसके अंदर सिक्योरिटी एज है, तो वो सिक्का आपको सेल नहीं होगा, क्योंकि उस सिक्के की फेस वैल्यू आपको ज्यादा नहीं मिलने वाली है। यूएनसी कंडीशन में भी होगा तो आपको 100 रुपए तक दिला सकता है, लेकिन आपके पास में होगा ये रेडी एज का सिक्का, तब आपको इस सिक्के की कीमत पूरी 5 से 6 हजार रुपए तक मिल सकती है, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया भी था। तो दोस्तों ऐसे सिक्के आपको कलेक्ट करने हैं। ऐसे सिक्के अगर आपके सेल नहीं होते तो ये सिक्के आप मेरे को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी आपके पास सिक्का होता है और वो कंफ्यूजिंग लगती है, तो आप #नंदूजाट सिक्के लगा के पूछ सकते हैं, और आप वो सिक्का क्लियर करवा सकते हैं, उसकी क्लियर इंफॉर्मेशन आप मेरे से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा कोई भी रेयर सिक्का होता है तो आप #नंदूजाट RJ23 इंस्टाग्राम पे भी उस सिक्के का फोटो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और ऐसी नाइस सी जानकारी के साथ में।